ये कहानी है रमन और राघव की। पेशे से दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं। पैसे लेकर किसी को भी मौत के घाट उतार देना इनका धंधा है, और इस धंधे में इन्होंने न जाने आज तक कितने कत्ल किए। आज भी दोनों किसी का खून करके पुलिस से छुपते छुपाते मुक्तेश्वर पहुंच जाते हैं। मुक्तेश्वर एक छोटा सा गांव है। माना जाता है कि यहाँ लोग ईश्वर की शरण में आत्मा की शांति के लिए आते हैं। मुक्तेश्वर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी और दोनों को ठहरने के लिए एक आश्रय चाहिए था। आसपास सिवाय जंगल के कोई और ठिकाना नहीं था। अक्टूबर का महीना था, ठंड बहुत थी। उस काली सर्दी रात में बाहर जंगल में रात गुजारने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता था। काफी ढूंढने के बाद उन्हें दूर एक इमारत दिखाई दी जिसके दरवाजे पे धुंधला सा एक बल्ब टिमटिमा रहा था। उस वीरान जगह में उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी। दोनों उस इमारत के पास गए। वो एक दो मंजिला पुराना होटल था जिसकी खस्ता हालत देख के लग रहा था कि वहां कोई आता जाता भी नहीं होगा। देखने में किसी खंडर से कम नहीं था। आसपास दूर दूर तक कोई दूसरा ठिकाना नजर नहीं आया तो दोनों ने अपनी गाड़ी खड़ी की और उस होटल में घुस गए। मेन डोर से अंदर घुसते ही सीढ़ियों के बगल में एक पुरानी टूटी हुई टेबल रखी थी जिसके ऊपर पुराना सा एक रजिस्टर रखा हुआ था। वो उस होटल का रिसेप्शन था मगर वहां पे कोई नहीं था। रमन ने टेबल पे जोर जोर से दस्तक दी मगर कोई नहीं आया। रात के 11 बज चुके थे और दोनों बहुत ज्यादा थके हुए थे। रिसेप्शन में करीब 2 मिनट खड़े रहने के बाद राघव बोला, अरे चल यार, खुद ही कोई कमरा देख लेते हैं, बहुत जोर की नींद आ रही है। रमन और राघव दोनों सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे कि तभी पीछे से आवाज आई, सब कमरा चाहिए तो पहले रजिस्टर में एंट्री कर दीजिए। रमन राघव ने चौक के पीछे देखा। वहां पे एक दुबला पतला सा बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसके कपड़ों की सिलवटें देख के लग रहा था मानो जैसे अभी सोकर आया हो। दोनों ने उस रजिस्टर में एंट्री की और पैसे टेबल पर रख दिए। उस आदमी ने 203 रूम नंबर की चाबी देते हुए कहा, आपका कमरा सीढ़ियों से ऊपर दाहिने हाथ पे है। चाबी लेकर दोनों जाने के लिए मुड़े तो वो आदमी फिर बोला, साहब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आप अपने कमरे में ही रहना, रात में बाहर मत निकलना और छत पे जाने की बिल्कुल भी मत सोचना। रमन बोला, क्यों भाई, ऐसा क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएंगे तो? वो आदमी बोला, साहब आप रात बिताने आए हैं, कमरे में जाके सो जाइए। राघव ने रमन से कहा, चल यार छोड़ इसको, ये तो मुझे कोई चरसी लग रहा है, चरस मार के कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है, चल जाके सो जाते हैं। राघव ने फिर से उस आदमी से कहा, हाँ भाई नहीं आएंगे बाहर, चुपचाप जाके सो जाएंगे, अब तुम भी जाओ और जाकर सो जाओ। कमरे में जाके रमन और राघव ने अपनी अपनी पिस्तौल निकाल के पास ही रखी टेबल के दराज में रख दी। लेटते ही राघव को नींद आ गई लेकिन रमन अभी भी जगा हुआ था, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसको सिगरेट पीने की तलब हुई लेकिन राघव को सिगरेट के धुएं से परेशानी होती थी, वो दमे का मरीज था। रमन से रहा नहीं गया और उसने कमरे से बाहर निकल के एक सिगरेट सुलगा ली। तभी उसे एक लड़की के फुसफुसाने की और धीमी आवाज में हंसने की आवाज आई। आवाज सीढ़ियों से ऊपर छत में से आ रही थी। उसने सोचा आखिर ऐसी क्या बात थी कि रिसेप्शन में वो आदमी बाहर निकलने और छत पे जाने को मना कर रहा था और अभी छत में से लड़की की आवाज आ रही है। रमन की जिज्ञासा बढ़ी, उसे जानना था कि आखिर छत पे चल क्या रहा है। वो धीमे धीमे कदम रखते हुए सीढ़ियों से ऊपर गया। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था उस लड़की के फुसफुसाने की आवाज तेज होती जा रही थी। रमन को यकीन हो गया कि छत पे पक्का कोई लड़की है और कोई ना कोई तो गुल खिला रही है। रमन छत के दरवाजे पे पहुंचा। वहां पे दो पल्लों वाला लकड़ी का एक दरवाजा था। रमन ने जोर से दरवाजा खोला ताकि उस लड़की को रंगे हाथों पकड़ सके। दरवाजा खुलते ही वो हंसने और फुसफुसाने की आवाज बंद हो गई। रमन ने घूम घूम के पूरी छत पे देखा, वहां कोई भी नहीं था। तभी रमन को उस आदमी की बात याद आई, साहब आप अपने कमरे में ही रहना, रात में बाहर मत निकलना और छत पे जाने की सोचना भी मत। रमन को अब डर लग रहा था। वो नीचे जाने के लिए दौड़ते हुए छत के दरवाजे पे पहुंचा मगर वो दरवाजा एक झटके में अपने आप बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही उसे वही लड़की की हंसी सुनाई दी। रमन बोला, कौन है, कौन है वहां, सामने आओ नहीं तो गोली मार दूंगा। तभी फिर से वही लड़की की हंसी की आवाज आई।
और रमन को याद आया कि बंदूक तो उसने नीचे कमरे में टेबल की दराज पे रखी है। रमन छत के दरवाजे को जोर जोर से पीटता है और चिल्लाते हुए राघव को आवाज देता है। रमन की आवाज सुन के नीचे राघव की नींद खुलती है। राघव देखता है कि रमन कमरे में नहीं और उसकी चीख बाहर से आ रही है। राघव उठा और उसने टेबल की दराज से अपनी बंदूक निकाली और झट से अपने दोस्त की मदद करने के लिए कमरे से बाहर गया। बाहर निकलते ही वो देखता है कि ऊपर सीढ़ियों का दरवाजा जोर जोर से आवाज करता हुआ हिल रहा है और उसके पीछे से ही रमन के चिल्लाने की आवाज आ रही है। राघव रमन की मदद करने के लिए झट से सीढ़ी के दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, नहीं साहब, ये भूल मत करना। आपको मना किया था छत पे जाने के लिए, मगर आपके दोस्त ने वहां जाकर गलती कर दी। अब आप भी वही गलती मत कीजिए। राघव ने पलट के देखा, वहां पे वही दुबले पतले शरीर वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था और वो राघव को छत पे जाने से रोक रहा था। राघव उस पे चीखा, बकवास बंद कर भेड़चोद, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा वरना तेरी खोपड़ी खोल दूंगा मादरचोद। गाली देते हुए राघव ने उस आदमी पे बंदूक तान दी और वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, मरे हुए को क्या मारोगे साहब, आप तो मुझे पहले ही मार चुके हो। इतना बोल के वो आदमी अंधेरे में धुआं बन के गायब हो गया। ये मंजर देख के राघव का कलेजा हलक में आ फंसा। डर के मारे जो हालत दरवाजे के दूसरी तरफ रमन की थी, वही हालत अब दरवाजे के इस तरफ राघव की भी हो गई थी। राघव दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। उसने पूरा जोर लगाया मगर दरवाजा नहीं खुला। राघव ने रमन से कहा, रमन मेरे तीन तक गिनने पे तू दरवाजे को जोर से धकेलना, मैं इसे अंदर खींचूंगा। रमन ने तीन तक गिना और तीन तक गिनते ही जोर से दरवाजे को खींचा। दरवाजा एक झटके में खुल गया मगर सामने रमन नहीं था। राघव ने रमन को आवाज दी, उसे पूरी छत में ढूंढा मगर वो कहीं नहीं मिला। तभी उस होटल के बगल में लगे हुए एक पेड़ में उसकी टहनी हिलने की आवाज आई। राघव दौड़ के छत के दूसरे कोने पे गया और उसने नीचे झांक के देखा और जो उसने देखा वो देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पेड़ की एक डाल में बंधी हुई रस्सी में रमन लटका हुआ था। वो रस्सी उसकी गर्दन में कसी हुई थी और वो छटपटा रहा था और फिर वो मर गया। उस पेड़ के पास वही दुबला पतला आदमी खड़ा ऊपर राघव को ही देख रहा था। डर के मारे राघव का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो जैसे अगले ही पल छाती फाड़ के बाहर निकल जाएगा। नीचे वो आदमी राघव को ही देख रहा था और उसने हाथ उठाया और उंगली से राघव को इशारा किया, मानो जैसे वो कह रहा हो कि अगला नंबर तेरा है। अगला नंबर राघव का तो था ही, मगर वो आदमी राघव को बोल रहा था कि अपने पीछे देखो। राघव ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा और चौंक के बोला, तुम? राघव के सामने 20-21 साल की एक लड़की खड़ी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, उसकी एक आंख सूजी हुई और नीली पड़ी थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो राघव के सामने खड़ी बड़ी बड़ी आंखों से राघव को ही घूर रही थी। उसका भयानक चेहरा राघव को परेशान कर रहा था। राघव घबराते हुए से बोला, तुम जिंदा कैसे बच गई, तुम तो मर चुकी थी। राघव की ये बात सुनकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते ही वो रोने लगी। वो जोर जोर से रो रही थी और उसकी रोने की आवाज से राघव पागल सा होता जा रहा था। राघव ने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को ढक लिया। उससे वो रोने की आवाज सहन नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर फट जाएगा। राघव ने अपनी पिस्तौल निकाली और उस लड़की पे तान दी और उसकी सारी गोलियां उस पे खाली कर दी, मगर जो पहले से मर चुका है उस पे गोलियों का क्या असर। वो लड़की धुआं बन के हवा में गायब हो गई और तभी नीचे सीढ़ियों से ऊपर आते हुए दौड़ते कदमों की आवाज ने राघव का ध्यान छत के दरवाजे की ओर खींचा। राघव ने देखा छत के दरवाजे के पास दो पुलिस वाले उस पे बंदूक ताने खड़े थे। अचानक पुलिस वालों को देखकर राघव ने उन पे गोली चलाने के लिए अपनी पिस्तौल तानी, मगर उसकी पिस्तौल तो खाली थी। बदले में पुलिस वालों ने उसकी छाती पे गोलियां दाग दी। राघव लहूलुहान होकर वहीं गिर गया, उसकी सांसें चल रही थी। एक पुलिस वाला उसके पास आया और उससे बोला, बहुत दौड़ाया रे तूने राघव, लेकिन अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, आ तुझे तेरे पापों से मुक्त कर दूं। पुलिस वाले ने अपनी पिस्तौल राघव के माथे पे रखी और बोला, नरक में जा मादर। चलो कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। रश्मि एक 20 साल की सीधी सादी लड़की
जितनी सुंदर उतनी चरित्रवान, अपने घर की लाडली, तीन भाइयों की इकलौती बहन। पढ़ाई में वो हमेशा टॉप किया करती थी। उसका एक सपना था कि वो एक अध्यापिका बने और गरीब लोगों को मुफ्त शिक्षा दे। अपने घर के आंगन में वो हर रोज गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया करती थी। सभी उससे बहुत प्यार करते थे। आज सुबह वो अपने कॉलेज के लिए निकली। जिस रिक्शे से वो रोज जाया करती थी, उस रिक्शे वाले को वो सखाराम चाचा बुलाती थी और रोज सुबह उसके लिए दो पराठे और थोड़ी सब्जी लेकर जाया करती थी। वो रिक्शे वाला भी रश्मि को अपनी बेटी के समान ही मानता था और उसको रोज टाइम से कॉलेज लेकर जाता और कॉलेज से घर लेकर आता था। रास्ते में ब्रेकर और गड्ढों में सावधानी से रिक्शा चलाता था ताकि रश्मि को कोई तकलीफ ना हो। दोनों सफर में खूब बातें किया करते थे। आज सुबह भी रश्मि सखाराम चाचा को देश दुनिया की खबरें सुना रही थी कि तभी उनके बगल से एक काली मारुति वैन गुजरी और उनके रिक्शे के सामने आकर रुकी और उसमें से दो आदमी निकले। ये दोनों रमन और राघव ही थे। उन्होंने सामने फुटपाथ में आते हुए एक आदमी पे तबाड़ तोड़ गोलियां चला दी। अपने सामने खून होता देख रश्मि की चीख निकल पड़ी और तभी रमन और राघव की गंदी नजर रश्मि पे पड़ी और रश्मि की खूबसूरती देखकर दोनों की नीयत फिसल गई। उन दोनों ने रश्मि को अगवा करने के मकसद से उसका हाथ पकड़ा और उसे खींच कर अपनी गाड़ी में डालने लगे कि तभी वो रिक्शे वाला उन दोनों आदमियों से भिड़ गया। मगर वो बूढ़ा दो हट्टे कट्टे आदमियों को कैसे रोक पाता। राघव ने उस बूढ़े रिक्शे वाले के सिर पे अपने पिस्तौल का बट दे मारा और वो रिक्शे वाला बेहोश होकर वहीं पे गिर गया। वो एक सुनसान सड़क थी और आसपास पुरानी बिल्डिंगें थी। वो दोनों आदमी रश्मि को अपनी वैन में डाल के वहां से फरार हो गए। थोड़ी देर में उस रिक्शे वाले को होश आया। उसने अपनी जेब से पुराना टूटा हुआ नोकिया फोन निकाला और 100 नंबर पे डायल किया और पुलिस को वहां पे हुए खून और लड़की के अपहरण की सूचना दी। जब तक पुलिस वहां आती और रश्मि को तलाशती, तब तक रिक्शे वाले ने खुद ही अपने रिक्शे से उसको तलाशना शुरू किया और वो उसी रास्ते में आगे बढ़ा। वहां चारों तरफ पुरानी फैक्ट्री की इमारतें थी। तभी उसे दूर एक बिल्डिंग के बाहर वही काली वैन खड़ी दिखाई दी। उसने पूरी ताकत से रिक्शे के पैडल मारे और उस पुरानी टूटी बिल्डिंग के पास पहुंचा। अंदर से रश्मि के रोने और चीखने की आवाजें आ रही थी। वो रिक्शे वाला अंदर घुसा और उसने रश्मि को आवाज दी। काफी ढूंढने के बाद उसे रश्मि मिली। जमीन से 5-6 फीट हवा में वो एक रस्सी से लटकी हुई छटपटा रही थी। रस्सी का फंदा उसकी गर्दन में कसा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए और चेहरे में चोट के निशान थे। रिक्शे वाला बूढ़ा रश्मि के पास गया और रश्मि को अपने कंधे पे उठाने की कोशिश करने लगा, मगर उस बूढ़े व्यक्ति का कद उतना नहीं था कि वो रश्मि को सहारा दे सके। उसने रश्मि के पैरों को अपने सिर के ऊपर रख लिया, मगर रश्मि अभी भी छटपटा रही थी। तभी एक गोली चली और उस बूढ़े रिक्शे वाले की पीठ को भेदती हुई छाती को चीर के पार हो गई और रमन राघव, जो रश्मि को अगवा करके लाए थे, वो अपनी काली वैन में बैठकर वहां से फरार हो गए। जब तक वो बूढ़ा रिक्शे वाला रश्मि के पैरों को अपने सिर पे रखे खड़ा था, तब तक रश्मि भी लटकी सांस लेने की कोशिश करती हुई छटपटा रही थी। मगर जब वो बूढ़े रिक्शे वाले ने खड़े खड़े दम तोड़ दिया और जमीन में गिर गया, तब कुछ ही पल बाद रश्मि ने भी दम तोड़ दिया और वो दोनों मर गए। रश्मि और सखाराम रिक्शे वाले ने रमन राघव से अपनी मौत का बदला ले लिया। मुक्तेश्वर में आके दोनों की आत्मा को शांति मिल गई और दोनों स्वर्ग की ओर चल दिए। मगर रमन और राघव के पापों की सजा अभी बाकी थी, क्योंकि नरक का रास्ता बहुत लंबा और दर्दनाक होता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल में कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।